नमस्कार आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह आज जम्मू के राइटर्स क्लब में एक टैलेंट प्रूव कंपटीशन है जिसमें तीन साल से लेकर एक व्यस्क जो है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है सिंगिंग डांसिंग इंस्ट्रूमेंटल हर तरह का इसमें जो है एक रोल जो है बच्चों के द्वारा प्ले किया गया है और बच्चों ने भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है तो आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की झलकियाँ और देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनके अंदर कॉम्पिटिशन को लेकर कितना जोश है मेरे साथ उधमपुर की सिंगिंग सेंसेशन खुशी और वंशिका इस समय मौजूद है इन्हें कौन नहीं जानता उधमपुर में तो इन्होंने अपने का, कलाकारी का जो है मिसाल कायम की हुई है अपना किला गाड़ा हुआ है वहीं आज जम्मू में जहां कंपटीशन हो रहा है वहां पर भी इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है तो चलिए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात और जानते हैं कि आज के इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में ये क्या गाने वाली है ओ ਜਲੰਧਰ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਦਾ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋ जबरदस्त जबरदस्त सूफ़ी सॉन्ग को गाना कोई खाला जी का घर नहीं है और जहाँ बड़े बड़े सिंगर सूफी गाने से डरते हैं वहीं ये छोटे छोटे उधमपुर के कलाकार जिनकी आवाज़ में लगता है कि वाकई सरस्वती माँ ने इन्हें जो है वरदान दिया है सूफी सॉन्ग गाना वाकई में इनकी आवाज़ सुनकर मैं तो मंत्रमुग्ध होगी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखिएगा तो इस कॉम्पिटिशन के जज साहिल शर्मा हमारे साथ हैं बातचीत करते हैं सर कॉम्पिटिशन में तीन साल से लेकर जो व्यस्क हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है दूर दराज इलाके से भी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए और कैसे जोश देखते हैं बच्चों में आप देखिए कि पहले की पहले क्या होता था कि बच्चे ना अपने पार्टिसिपेट करते थे यहाँ पे आके परफॉर्म करते थे लेकिन काफ़ी टाइम से ये बंद हो गया हुआ क्योंकि लोग फ़ोन चलाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं रील्स चलाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं एक्टिविटी कोई है नहीं लेकिन आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया बड़ा अच्छा बच्चों ने डांस भी किया पेरेंट्स भी बड़े सपोर्टिव हैं और अच्छा लग रहा है कि वापस अपने फील्ड में वापस आ रहे हैं तो यहाँ पर देखा जाता है टैलेंट की कोई कमी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता ऐसे प्लेटफॉर्म्स जब बच्चों को मिलते हैं तो उन्हें एक जो है अपना रास्ता नज़र आता है तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के परफॉर्मेंस के लिए गवर्नमेंट को कितना आगे आना चाहिए नहीं पहले पहले गवर्नमेंट इसमें बड़ा पार्टिसिपेट करती थी कि बच्चों को बाहर भी लेके जाते थे वहाँ वहाँ पर अपना कल्चर भी दिखाते थे वहाँ पर जाके बच्चे बच्चे लेकिन अब काफ़ी कम हो गया हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा जाद से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज़ होते रहें आज मैम ने भी किरण मैम ने फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कराया हुआ है तो बहुत अच्छा लगा आगे भी ऐसे फंक्शन होते रहें तो। जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन कमी है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म अगर बच्चों को मिलते रहे तो आने वाले समय में इनकी कलाकारी और उभर कर सामने आएगी और जिससे इनके भविष्य के साथ साथ जम्मू का नाम भी जो है रोशन होगा क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट अप, में अपनी राय जरूर रखिएगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद